हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग में हमने जो आपकी यूनिवर्सिटी की ऑफलाइन एक्सटर्नल एग्जाम होने वाली है उसकी जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट की है, इस क्वेश्चन पेपर की सीरीज के इस वीडियो में हम जो है जो TYBBSE है इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इस स्ट्रीम को जो साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट है 2019 क्रेडिट पैटर्न में फिफ्थ सेमेस्टर में उसका जो प्रीवियस ईयर यानी जो 2022 में जो यूनिवर्सिटी की ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट हुई थी उसका जो क्वेश्चन पेपर है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये जो क्वेश्चन पेपर था मैक्सिमम 70 मार्क्स के लिए था और इसे सॉल्व करने के लिए जो है आपको 2.5 घंटे का टाइम मिला हुआ था। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें टोटल 10 क्वेश्चन थे और इसमें से किसी भी 8 क्वेश्चन के आपको आंसर राइट करने थे और ये हर एक क्वेश्चन जो है आपको 2 मार्क्स के लिए जो है इसके आंसर राइट करने थे। ऐसे टोटल जो है 16 मार्क के लिए जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो साइबर क्राइम की डेफिनेशन और उसका कोई ना कोई वन एग्जाम्पल जो है इसमें आपको राइट करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी जो है इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज अ डिजिटल फॉरेंसिक। तो डिजिटल फोरेंसिक क्या है ये जो है आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है व्हाट आर द 2 कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम की यहाँ पर जो है आपको 2 कैटेगरीज जो है नोट डाउन करनी है विद द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन डी है व्हाट इज रिकॉग्निशंस। तो यहाँ पर रिकॉग्निशंस क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ई है व्हाट इज साइबर टॉकिंग। तो यहाँ पर जो है साइबर टॉकिंग क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। देन क्वेश्चन एफ है डिफाइन अटैक वेक्टर। तो यहाँ पर जो है अटैक वेक्टर की आपको डेफिनेशन जो है राइट करनी है। देन क्वेश्चन जी व्हाट इज फिशिंग। तो फिशिंग क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है और उसका कोई ना कोई वन एग्जाम्पल राइट करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एच है व्हाट इज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इन डिजिटल सिग्नेचर। तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है डिजिटल सिग्नेचर में ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आए डिफाइन डिनाइन ऑफ सर्विस यानी DOS अटैक। तो डिनाइन ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है इसकी डेफिनेशन और उसका कोई ना कोई वन एग्जांपल जो है आपको राइट करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जी है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वर्म। वायरस और वर्म में क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके से जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको 2 मार्क के क्वेश्चन के जो है आंसर राइट करने थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है इसमें आपको जो है 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने थे। ऐसे टोटल जो है 16 मार्क के लिए जो है सेकंड क्वेश्चन था। तो इसमें क्वेश्चन ए है एक्सप्लेन इन ब्रीफ ईच टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो है टाइप्स विद एक्सप्लेनेशन जो है आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है व्हाई डू यू नीड साइबर लॉ इन इंडिया। ये जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपको साइबर लॉ क्यों इंडिया में चाहिए उसके जो है यहाँ पर रीजन जो है राइट डाउन करने हैं। तो आपके आंसर में एटलीस्ट जो है 8 रीजंस होने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है व्हाट इज साइबर फोरेंसिक एक्सप्लेन इन डिटेल। तो इस क्वेश्चन के आंसर में जो है आपको साइबर फोरेंसिक क्या है ये जो है आपको सबसे पहले डिफाइन करना है और उसके बाद साइबर फोरेंसिक के टाइप्स या फिर उसके एग्जांपल आप जो भी जानते हैं वो जो है आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में राइट करने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है व्हाट इज प्रॉक्सी सर्वर आल्सो राइट अ पर्पस ऑफ इट। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रॉक्सी सर्वर क्या है ये जो है आपको डिफाइन करने के लिए 1 मार्क और उसके बाद जो है उसके पर्पस क्या क्या है ये राइट डाउन करने के लिए जो है आपको 3 मार्क्स रहेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ई है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स। तो जो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के डिफरेंट टाइप्स है वो जो है आपको विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको आंसर में राइट करने होंगे। तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन 2 था जिसमें जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे और इस तरीके से जो है इनका मार्क का जो है डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं और ये जो क्वेश्चन है टोटल 16 मार्क के लिए है। तो इसमें क्वेश्चन ए है एक्सप्लेन द डिफरेंट रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ साइबर क्राइम। तो यहाँ पर जो है रियल लाइफ एग्जांपल जो है साइबर क्राइम के आपको जो है एक्सप्लेन करने हैं।
तो ये जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल जो है साइबर क्राइम से रिलेटेड वो जो है यहाँ पर राइट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज डोमेन नेम एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो यहाँ पर सबसे पहले डोमेन नेम क्या है ये जो है आपको डिफाइन करने के लिए 1 मार्क, और उसके बाद उसके जो है एग्जाम्पल जो है विद एक्सप्लेनेशन राइट करने के लिए 3 मार्क, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन क्वेश्चन सी है, एक्सप्लेन हाउ वॉटनेट कैन बी यूज एज अ फ्यूल टू साइबर क्राइम। तो आपको यहाँ पर वॉटनेट क्या है ये जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो ये वॉटनेट जो है एज अ फ्यूल साइबर क्राइम में कैसे यूज किया जाता है ये भी आपको विद एक्सप्लेनेशन जो है राइट करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, डिस्क्राइब एक्टिव एंड पैसिव अटैक इन डिटेल। तो यहाँ पर जो है आपको एक्टिव अटैक क्या है ये जो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पैसिव अटैक क्या है एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक के एग्जांपल भी जो है इस आंसर में आपके होने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स टू प्रिवेंट एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है ये जो है डिफाइन करने के लिए 1 मार्क, और उसके डिफरेंट प्रिवेंटिव मेथड्स कौन कौन सी है ये जो है आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो है 3 मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन 3 था, और उसके एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपको इस तरीके से राइट करने चाहिए। देन क्वेश्चन 4 जो है, इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल जो है 5 क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं, इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क के लिए जो है क्वेश्चन 4 है। तो इसमें क्वेश्चन ए है, एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशनल गाइडलाइन फॉर इंटरनेट यूसेज। तो यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशनल गाइडलाइन जो है आपको राइट डाउन करनी है विद द एक्सप्लेनेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, डिफाइन वायरस, डिस्कस टाइप ऑफ वायरसेस। तो यहाँ पर वायरस की डेफिनेशन राइट करने के लिए सेपरेट 1 मार्क, और उसके टाइप जो है आपको डिस्कस यानी एक्सप्लेन करने हैं उसके लिए सेपरेट 3 मार्क जो है रहने वाले हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, डिस्कस हाउ ईमेल आर यूज एज अ फोरेंसिक एनालिसिस। तो यहाँ पर जो है ईमेल का यूज जो है फोरेंसिक एनालिसिस में कैसे किया जाता है उसका जो है आपको एक्सप्लेनेशन जो है राइट करना है, इसके लिए जो है आपको 4 मार्क्स है। देन क्वेश्चन डी है, व्हाट इज सीआईए, डिस्कस 3 कंसेप्ट ऑफ सीआईए मॉडल। तो यहाँ पर सीआईए क्या है उसका फुल फॉर्म राइट करना है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन राइट करनी है, और सीआईए में जो 3 कंसेप्ट आती है वो जो है आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। तो सीआईए की डेफिनेशन लिखने के लिए 1 मार्क, और उसकी कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए 3 मार्क्स। देन क्वेश्चन ये है, व्हाट आर चैलेंजेस टू इंडियन लॉ एंड साइबर क्राइम सिनेरियो इन इंडिया। तो यहाँ पर जो है आपको चैलेंजेस लिखनी है जो इंडियन लॉ में जो है अगेंस्ट द साइबर क्राइम है, तो वो जो चैलेंजेस है यहाँ पर आपको विद एक्सप्लेनेशन राइट करने की जरूरत है। तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन 4 था, टोटल 16 मार्क के लिए। और लास्ट जो क्वेश्चन 5 है जिसमें आपको शॉर्ट नोट राइट करनी है, ये टोटल जो है 3 शॉर्ट नोट रहेगी, इसमें से किसी भी 2 शॉर्ट नोट के जो है आपको आंसर राइट करनी है, और हर एक शॉर्ट नोट जो है 3 मार्क के लिए रहेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन 5 जो है आपका 6 मार्क के लिए था। तो इसमें फर्स्ट शॉर्ट नोट पूछी गई थी द ITA 2000 सेक्शन 65, 66 एंड सेक्शन 67। तो ये जो ITA 2000, तो इसमें जो है सेक्शन 65, 66 और 67 हर एक सेक्शन का जो है आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है, हर एक सेक्शन का एक्सप्लेनेशन जो है 1 1 मार्क के लिए, इस तरीके से जो है 3 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है, और आपके एक्सप्लेनेशन में एटलीस्ट 6 पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 मार्क के लिए जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया है। और लास्ट शॉर्ट नोट है डेटा डिडलिंग, तो डेटा डिडलिंग क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से जो है शॉर्ट नोट के आपको क्वेश्चन पूछे गए थे जो 2022 का क्वेश्चन पेपर था उसमें। तो ये जो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसके एनालिसिस से आपको पता चल गया होगा आपको जो है किस टॉपिक पर किस फॉर्मेट में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 2 मार्क के क्वेश्चन जो है किस टॉपिक पर पूछे गए हैं, 4 मार्क के क्वेश्चन जो है किस टॉपिक पर पूछे गए हैं, ये सारे जो है आपको एनालिसिस हो सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि
हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप पहुंच सके। थैंक यू।